बात करते हैं इंदौर की, जहां नगरीय निकाय चुनाव के पहले भाजपा पार्षद प्रत्याशी के बिगड़े बोल का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो पर कांग्रेस ने आपत्ति ली और पार्षद प्रत्याशी के बिगड़े बोल को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताया है। कांग्रेस ने इस मामले की शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी से की और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस ने पार्षद प्रत्याशी का वीडियो भी शिकायत के साथ दिया है। इस वायरल वीडियो में वार्ड क्रमांक 42 की बीजेपी की पार्षद प्रत्याशी मुद्रा शास्त्री महिलाओं के सामने कांग्रेस सरकार को खत्म करने की बात कह रही हैं। वे नुपुर शर्मा को लेकर बात कही कि वहीं कांग्रेस के खत्म करने और भाजपा को जीतने की बात कहते हुए इस वीडियो में नजर आ रही हैं। एमपीसीसी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने इस पूरे मामले में वार्ड 42 की भाजपा पार्षद प्रत्याशी मुद्रा शास्त्री की शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी से की है। यादव का कहना है कि भाजपा प्रत्याशी मुद्रा शास्त्री का बयान सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाला है, इसलिए उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने का नामजद केस दर्ज किया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने के अपराध में चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। साथ ही मांग है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन के खिलाफ प्रचलित सुसंगत धाराओं में मुद्रा शास्त्री पर केस दर्ज किया जाना चाहिए। वार्ड क्रमांक 42 की भाजपा की पार्षद प्रत्याशी मुद्रा शास्त्री ने बोला कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, वीडियो को एडिट करके पेश किया गया है, हम सिर्फ भाजपा के विकास की बात कह रहे हैं, वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। नुपुर शर्मा जो महिला है, जो हिंदू महिला थी, उस बेचारी की क्या गलती थी, कौन सा धर्म के बारे में? तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो कांग्रेस की सरकार है ये मुसलमानों को सपोर्ट करती है, ये उनका साथ देती है और हमें ऐसी सरकार का बहिष्कार करना है, नहीं तो ये घुस करके हमारे अपने लोगों को मार डालेंगे। वो खुलेआम सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रही है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि नुपुर शर्मा को माफी मांगना चाहिए देश से, तो ये सर्टिफिकेट दे रही है कि नुपुर शर्मा की क्या गलती है।